ओहायो गोजाइमास, इट इज़ डे 26 एंड दैट मेंट गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ही क्लियर सनी डे है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे सफ़र पे, जो कि है शिनयोकोहामा से नाकागावा। यहाँ पे तीन मोड्स हैं जाने के, एक है सबवे जिससे हम जाते हैं, फिर है टैक्सी, फिर है ट्राइक। सो सबवे से हमें नियरली 14 मिनट लगते हैं और वो चीपर है और सारे लोग उसी से जाते हैं। और फिर हमारी टैक्सी आती है तो 4,000-5,000 लेगी, और फिर ड्राइव अगर आपके पास कुछ है व्हीकल तो उसमें आपको और सस्ता पड़ेगा। तो हम आज अपने को ले चलते हैं मेरी जर्नी पे, और यहाँ पे अभी मैं आईसी रिचार्ज करूँगी। और दिस यू मे रिमेम्बर कि हमने कैसे रिचार्ज किया था। इट्स वेरी सिंपल एंड क्विकली विल गेट इट रिचार्ज, और फटाफट भागेंगे हम अपनी ट्रेन के लिए। सो इट स्टार्टेड दी ब्लिंकिंग, और आप देख रहे हो अब ये चार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, और इट्स डन। और हम निकलते हैं अपना कार्ड लेके। ये मैंने स्कैन किया फॉर द एंट्री, और यहाँ से अब हम अपने पिकअप पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो दो साइड है, एक है सोनादाई, एक है आज़मीनो। तो हम अभी आज़मीनो वाली जो ट्रेन है वो लेंगे, क्योंकि उस साइड को हमारा नाकागावा स्टेशन पड़ता है। तो हियर ये देखो, हम यहाँ पे वेट करेंगे। और जैसे मैंने बोला था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, तो 9:08 बोल रहे हैं। तो या इट्स इज ऑलमोस्ट देयर। तो हम रुके एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी ट्रेन भी आ गई। सो हियर यू सी हमारी ट्रेन, दिस इज़ लोकल ट्रेन जो हमारे हर एक जो स्टेशन से कनेक्टेड है। और यहाँ से इतने सारे लोग निकले, हम चुपचाप अपनी ट्रेन के अंदर चले जाएंगे और बैठ जाएंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अब शिनयोकोहामा से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे एक्चुअली जो वर्टिकल थिंग्स देख रहे हो ना, वहाँ पे स्टेशन लिखे हैं। फिर हमारा पहला स्टेशन आता है जो है शिकिता शिनयोकोहामा। उसके बाद हम आगे चलते हैं टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्टेशन, और यहाँ से तो ब्यूटिफुल व्यू है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम अपने नेक्स्ट स्टेशन में पहुँच जाते हैं, जो है निपा। निपा दे प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, बट या स्टिल गुड। यहाँ पे जब भी जर्नी कर रहे होते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, जो करना है अपने में करें। दिस इज़ हाउ पीपल ऑल्सो डू। और फिर हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन पे। अभी देखना आपको, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है अब नाकाची मादी, आई डोंट नो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा नाम है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन है। तो कुछ स्टेशन हमारे सबवे से जाते हैं, कुछ स्टेशन ओपन जाते हैं, तो इट्स नाइस। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेशन, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त एक ट्रेन पास होते हुए, और फिर हम अपने व्यू का नज़ारा ले। पर यहाँ पे कोई भी व्यू का नज़ारा नहीं लेता है, कोई भी सीनरी नहीं देखता है, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं देखते, सारे अपने फ़ोन देखते रहते हैं और बुक्स पढ़ते रहते हैं। और फिर हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन जो कि है सेंटर मिनामी, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं सेंटर किता की तरफ। सो इफ यू रिमेम्बर कि जब सबसे पहले दिन हम गए थे, हम भूल ही गए थे कि हमें नाकागावा जाना है, और हम मतलब सेंटर किता में ही उतर गए थे। तो सेंटर मिनामी के बाद आता है हमारा सेंटर किता। और सेंटर मिनामी और सेंटर किता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप अगर बाय रोड भी जाते हो तो जल्दी ही पहुँच जाओगे एंड यू विल हैव सम ब्यूटीफुल सीनरीज अराउंड टू अप्रिशिएट। और यहाँ पे ट्रैक्स लुक्स रियली नाइस, सारी जगह ट्रैक्स सेम ही होते हैं, बट या इट्स ऑल्सो गुड। फिर उसके बाद हम पहुँच गए अपने सेंटर किता, और आप सुन रहे होंगे बीच बीच में कि जैसे वो बोलते हैं ना जापानीज़ में, पूरा ट्रेन में बोलते रहते हैं। फिर सेंटर किता से हम पहुँचे अपने नाकागावा स्टेशन, जिस जो हमारा फाइनल स्टेशन है, और यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट ट्रेन कब आने वाली है। और उसके बाद हम बाहर निकलते हैं एंड दिस इज़ हाउ माय जर्नी बीन डेली।
13 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं आने और जाने के लिए। और या दिस इज हियर वी आर एंड नाउ द टाइम इज 9:25। वी स्टार्टेड नियरली 9:10 सो या। तो आज तो हमें फुजियामा जी के दर्शन भी हो गए। इस मोस्ट फेमस वोल्केनिक माउंटेन तो बर्फ से ढका हुआ है। होपफुली विल सी इट फ्रॉम क्लोजर सून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई विल सी यू टुमारो।